हज़रत अली मुर्ज़ा फरमाते हैं मुझे सरकार ने यमन का गवर्नर बना के भेजना चाहा। मैंने अर्ज़ की या रसूल ला अदरी मल क़ज़ा व बैन सनैन या रसूल अल्लाह, या हुज़ूर मुझे तो दो आदमी के दरमियान फ़ैसला करने के वक्त यही पता नहीं किसको कहाँ खड़ा करना चाहिए, मैं क़ज़ा के लफ्ज़ से ही आशना रही हूँ। और करीबा करीबा है पर दरबा यदा वो अला सदर ही, आपने हाथ वार के से सीने पर फेरा, कहते मा शकक तो बाद हाफिल क़ज़ा, पूरी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करते वक्त किसी भी जज में आप ज़िंदगी उसकी पढ़े कि अपील ना हुई हो, सिर्फ एक अली है कायनात। ये मगरबी लॉयर्स ने भी तबसरा किया है का दुनिया भर में कोई भी जज गुजरा है, ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके फैसले पर कभी अपील ना हुई हो, वो एक ही जज माने जरा है जिसका नाम अली है, जिसके दुश्मन भी बेशुमार थे लेकिन आपके फैसले पर कोई आदमी अपील फाइल नहीं कर सका, इम्प्यूनमेंट फाइल नहीं कर सका, रिप्रीमेंट फाइल नहीं कर सका, उसकी टर्मिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सका, जो फैसला किया वो कायम है, एक अकेला ही जज है। वो ज़ात पाक जो एक मरतबा सीने पे हाथ फेर दे, बुखारी का मतन है रावी उसके हज़रत उमर फारूक हैं, अक़ज़ाना अली हम में चोटी का काजी अली है, जिसे लोयर हजरात बैठे हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक आदमी ला करने के बाद 10 साल सक्सेसफुल प्रैक्टिस करे तो वो जज के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या मतलब? कानून जो पढ़ा हुआ था उसको प्रैक्टिकली तैयार किया है, उसको समझा है, इस्तेमाल किया है, उसके उतार चढ़ाव पर उसने गुफ्तगू की है और 10 साल में नाकाम नहीं हुआ, कामयाबी के साथ उसके बाद जज होने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन हज़रत उमर फारूक फरमाते अक़ज़ाना अली चोटी का काजी 1,24,000 सहाबा किराम में से सबसे जो ऊंचा काजी है वो सिर्फ अली है। खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम।